मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी, मैं नहीं आऊंगा। मूवी के हिट होने के क्यों हैं इतने चांसेस? क्या इस बार भी ऑडियंस को पसंद आएगा सलमान का हेयर स्टाइल? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, तेरे नाम मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी। इस मूवी में हमें सलमान खान का एक डिफरेंट लुक देखने को मिला था। वैसे तो इस मूवी की हर चीज़ हिट और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस मूवी का मेन हाईलाइट बना था सलमान खान का हेयर स्टाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। लोगों ने इस मूवी के बाद इनके इस हेयर स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। आपको बता दें कि इस हेयर स्टाइल से एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी का कनेक्शन है। ये एक काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड सिंगर हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। पद्मिनी के हस्बैंड टूटू शर्मा प्रोड्यूसर हैं। दरअसल इनका तब का हेयर स्टाइल सलमान के हेयर स्टाइल से काफ़ी मिलता जुलता था। टूटू शर्मा तेरे नाम मूवी के डायरेक्टर सतीश कौशिक के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी वक्त साथ बिताया है। टूटू से जब ये पूछा गया कि क्या सलमान का हेयर स्टाइल उन्हीं से इंस्पायर होकर लिया गया था, तब उन्होंने इसको मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है, वो उस टाइम पर ऐसा हेयर स्टाइल रखा करते थे और जब ये सतीश ने देखा तब उन्हें ये बहुत पसंद आया था। सतीश ने उनसे पूछा था कि क्या वो इस हेयर स्टाइल को अपनी आने वाली फिल्म तेरे नाम में रख सकते हैं, जिसके बाद टूटू ने उनको हाँ बोला था और ये फिर हेयर स्टाइल हाईलाइट में आ गया था। टूटू और सतीश ने कई सारी मूवीज में एक साथ काम किया है और ये दोनों काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अब बात करें कि क्या इस बार भी हमें सलमान का कोई न्यू हेयर स्टाइल तेरे नाम 2 मूवी में देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें कि इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम टूटू शर्मा की हेयर स्टाइल होने की वजह से ये लिया गया था और ये फेमस भी हुआ था। इस बार हमें सलमान का नया और डिफरेंट लुक जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार भी हेयर स्टाइल का हाईलाइट होना थोड़ा मुश्किल है। खैर, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तेरे नाम मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि तेरे नाम 2 भी काफ़ी हिट जा सकती है। तेरे नाम की स्टोरी काफ़ी अलग और यूनिक वे में रिप्रेजेंट की गई थी, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और प्यार दिया था। वैसे तो ये मूवी तमिल मूवी सेतु की रीमेक थी, लेकिन बॉलीवुड ने इस मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया था। ये मूवी इस कदर फेमस हुई थी कि लोग आज भी ऐसी मूवीज़ और देखना पसंद करते हैं, और शायद इसी कारण से मेकर्स ने तेरे नाम 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। तेरे नाम 2 की स्टोरी भी काफ़ी यूनिक होने वाली है। तो दोस्तों, अब बस इंतजार है तो इस मूवी के रिलीज होने का। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।